पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लाइन पर स्थित एकता कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथावाचक रामकृष्ण कौशिक जी महाराज के द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव का सुंदर बखान किया गया। इस दौरान सुंदर भजनों का गायन भी हुआ, साथ ही कहा कि गुरु के बिना कोई भी शिष्य कामयाब नहीं हो सकता और यदि गुरु ही लालची हो जाए तो फिर शिष्य का भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है और ज्ञान लालची लोगों के पास नहीं होता। कथावाचक रामकृष्ण कौशिक जी के द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव का बहुत ही मार्मिक प्रसंग सुनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने सुंदर भजनों पर नृत्य भी प्रस्तुत किया और सभी भक्तजन भजनों को सुनकर भाव विभोर होते हुए नजर आए। आपको बता दें कि लाइन पार्क के एकता कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के लोग बढ़ चढ़कर भाग भी ले रहे हैं। ज्ञान कर रहा है और गुरु जी उसे रोक रहा है। अगर शिष्य दान करता है और गुरु जी रोकता है तो ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए, पाप नहीं लगेगा। और जो गुरु केवल अपने शिष्य के धन से ही मतलब रखता है, उसके शोक से दुख से कोई मतलब नहीं रखता है, ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। शास्त्र कहता है, गोसाई जी महाराज रामायण में कह रहे हैं, हर ही शेष धन शोक न पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।